हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्रिक्शन के कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इस सब के बारे में जानेंगे। फ्रिक्शन पार्ट टू, क्लास 11। फर्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ द फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन आप बुक्स में देखेंगे, अलग अलग मिलेगा। लॉज ऑफ द स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये अलग अलग, लेकिन बोथ समथिंग इज कॉमन। सबसे पहला जो नियम है, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always be at opposite, always be at opposite to the direction of motion. रिलेटेड ठीक है, ये हमेशा जो है बॉडी के डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के ठीक अपोजिट जो है काम करता है। दूसरा जो है, इट एक्ट टेंजेंशियली the two surfaces act tangentially to the two surfaces in contact. यहां दो सरफेसेस कांटेक्ट हैं, उसके ठीक टेंजेंशियली यह लगता है। तीसरा, इट डू नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ यह जो है एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड स्टेट ऑफ द मटेरियल। इट चार नंबर, इट डिपेंड ऑन द material and the nature of surface in contact and their state of policy and their state of body. यह जो है पदार्थ और उस सरफेस की प्रकृति पर निर्भर करता है जो कांटेक्ट में, और उसके चिकनाई यानी कि सरफेस कितना चिकना है इस बात पर यह निर्भर करता है।
the force of the friction, the force of friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces. This is the law of friction. ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं फ्रिक्शन के बारे में, जो हम जाने कि फ्रिक्शन है ना टेंजेंशियली लगता है या एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर निर्भर नहीं करता है ना, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं, एरिया ऑफ सरफेस या सरफेस की एरिया पर निर्भर नहीं करता. इट डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ फॉलिंग. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है. द कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन, नेक्स्ट हम क्या है जाने, द कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन for any two surfaces in contact, the ratio of the limiting friction and the normal between the two surfaces always be constant, है ना? Always be constant. The ratio of force of friction between two surfaces in contact and the normal reaction between them, the ratio of force of friction between two surfaces in contact and the normal reaction between them is constant called coefficient of friction. इसे हम क्या कहते हैं, coefficient of friction. That is the if Fs is equal to force of friction or normal reaction, then Fs by R equal to constant बराबर Fs, फिर Fs बराबर coefficient of friction. In another way, जैसे कि हमने आप देखें 5 नंबर में लिखा कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन.
फिर इससे भी हम देखें तो इफ एफ एस बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड आर बी द नॉर्मल आर बी द नॉर्मल देन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर ठीक है वेयर म्यू एस आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्लियर। तो हम देखें यहां से दो रिलेशन हमको हुए एफ एस इक्वल टू आर बाई आर इक्वल टू एक यहां मिला और एक यहां मिला बोथ आर द सेम रिलेशन बोथ आर द सेम रिलेशन। अब जरा आते हैं हम दो के बीच में कोफिशियंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो ठीक इसी रिलेशन के हिसाब से म्यू के इक्वल टू एफ के बाई क्लियर तब क्या हो गया और हम जानते हैं म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई आर दिस इज फॉर द एस एस स्टैंड फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड के स्टैंड फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन। एस जो सिंबल लगा है वह किसके लिए है स्टैटिक के लिए है और के जो लगा है वह काइनेटिक के लिए है ठीक है। तो म्यू के बाई म्यू एस इक्वल टू एफ के बाई आर बटा एफ एस बाई आर इक्वल टू एफ के बाई आर इंटू आर बाई एफ एस कैंसिल इक्वल टू एफ के बाई एफ एस और एक क्लियर हम जानते हैं इसलिए म्यू एस इज ग्रेटर देन क्लियर दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एस्टेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर। नाउ वी टॉक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन ठीक है। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विथ
नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो कोण बनाता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। ये डी मान लिया, ए माना, क्लियर। तो ये जो कोण बन रहा है थीटा, इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, जैसे इसको हम मान ले ओ, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, वो भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इन ट्रायंगल ओ ए आर, ठीक है, ये सरफेस है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। तो W इज बैलेंस बाय R, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कीप सच दैट इफ द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वह मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो यह हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू FMS, है ना। और यह क्या हो गया, फोर्स F है, अप्लाइड फोर्स, फोर्स बराबर F, ठीक है। तो कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ F अप्लाइड, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये, यह जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो कोण बनाता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एंगल है ना, ए ओ आर बराबर थीटा बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ वी कंप्लीट ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर दें। तो देखिए टेन थीटा इन ट्रायंगल AOR, तो टेन थीटा बराबर AR बाई OR, AR किसके बराबर है, OB के बराबर है, तो बराबर OB बटा OR, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर OB यानी FMS बटा OR यानी R, वी नो, हम जानते हैं कि FMS बटा R इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस रिलेशन से tan थीटा बराबर म्यू एस, यानी दी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू दी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
पॉजिटिव फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो टेन थीटा बराबर μs, इसे क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट, वर्क डन व्हाइल ए बॉडी स्लाइड अप ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। थैंक यू, वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।